हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफपी की रसोई। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में खट्टा प्याज जो सिरके से बनाई जाती है। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हमने प्याज को धोकर साफ कर लिया है। स्मॉल साइज़ की हम प्याज लेंगे जो प्लेट में रखी हुई अच्छी लगती हैं। स्मॉल साइज़ की प्याज लेकर हम बीच में से कट कर लेंगे। छोटा सा कट लगाना है प्याज में, प्याज हमें पूरी अलग नहीं करनी है, सभी में हम कट लगा लेते हैं। इसी तरह से जब हम प्याज सारी काट लेंगे तो इनमें सिरका अंदर अच्छे से चला जाएगा और ये खट्टे प्याज बनकर अच्छे से तैयार होंगे। आधा बीटरूट लिया है, उसके स्मॉल साइज़ के टुकड़े कर लेते हैं। आप चाहें तो बीटरूट को ग्रेट कर प्याज के साथ डाल सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर स्मॉल साइज़ के पीसेस किए हैं। 8 से 10 हरी मिर्ची ले ली हैं, इसको भी हम कट कर लेंगे। और 2 इंच का टुकड़ा लिया है अदरक का, जो कि अदरक का फ्लेवर प्याज में डालकर उसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। स्मॉल साइज में हम पीसेस कर लेंगे अदरक के, और मिर्ची को भी हम बीच में से 2 कर लेते हैं। अदरक और मिर्ची कटकर हमारी तैयार हैं, इनको हम साइड में रख देंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। एक पैन ले लेंगे, उसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। पानी हमें बॉयल कर डालना है। फ्लेम हम हाई रखेंगे। यहाँ पर हम 5 लौंग डालेंगे, लौंग का फ्लेवर भी अच्छा आएगा। ये सभी चीज़ें हम प्याज में फ्लेवर डालने के लिए कर रहे हैं। 8 से 10 काली मिर्ची डाल देंगे। 2 चम्मच पिसी चीनी डालते हैं। 1.5 हम नमक डाल देते हैं। आपको अगर कम ज़्यादा करना है नमक की मात्रा तो आप कर सकते हैं। पानी में बॉयल आ चुका है, यहाँ पर अब हम ऐड कर देते हैं बीटरूट। बीटरूट ने अपना कलर छोड़ दिया है। अब हम कर देते हैं फ्लेम ऑफ, इसको ठंडा होने देते हैं। लगभग पानी हमारा ठंडा हो चुका है। अब एक जार लेंगे, फ्रेश जार लेना है आपको, उसमें हम प्याज डाल देते हैं। सभी प्याज को हम जार में डाल देते हैं। सभी प्याज हमने जार में डाल दी हैं। जो हमने बारीक मिर्ची काटी थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। जो बारीक अदरक काटा था वो भी हम जार में डाल देते हैं, और जो हमने बीटरूट का पानी बनाया था वो भी हम जार में डाल देंगे। सभी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। जैसे ही हम पानी ऐड कर देते हैं, अब इसमें रह गया है हमारा सिरका डालना। जितना हमने पानी लिया था उतना ही हमें सिरका डालना है। इसमें 1 कप सिरका डाल दिया है। अब इसको हम जार को ढक्कन लगाकर 24 घंटे के लिए बंद करके रख देंगे। चौबीस घंटे हो चुके हैं, आइए आपको दिखाते हैं हमारी प्याज कितनी बड़ी अच्छी बनकर तैयार हुई है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको किस चीज़ पर रेसिपी बनवानी है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए।